दोस्तों, क्या आपके भी लैपटॉप का साउंड चला गया है या फिर उसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप का साउंड वापस कैसे ला सकते हो। तो सिंपली आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अब वापस ला के दिखाऊंगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक किया है, तो आप इसको वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका साउंड फुल पे है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस तरीके से चेक कर सकते हैं और उसे फुल कर देना है। और इसके बाद भी अगर आपका साउंड नहीं आता है तो आपको स्टेप नंबर 2 पे जाना है। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरह की विंडो मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करोगे आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने साउंड का एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आपको मैनेज साउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको टेस्ट करना है कि आपकी साउंड काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आवाज़ आएगी अगर आपका साउंड चल रहा होगा। नहीं चल रहा होगा तो आपको इसमें आवाज़ नहीं आएगी। बेसिक सी सेटिंग है तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आपको इनेबल ही रखना है, इसको डिसेबल नहीं रखना है वरना आपकी आवाज़ नहीं आएगी। और यहाँ पे आपको लेवल पूरी 100 होनी चाहिए तो आपकी आवाज़ आएगी। और यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और भी आपको एक ऑप्शन है, उसको आप देख लेते हैं। और ये चीज़ आपको बिल्कुल ऑफ रखनी है, तो इसे ऑफ रखेंगे तभी आपकी आवाज़ आएगी। तो ये सब अगर आपका अगर जो पहले से मैनेज है तो आपकी आवाज़ डेफिनेटली आएगी, और नहीं है तो इसे आप यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये आपका इनेबल होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपकी आवाज़ नहीं आती तो आपका दूसरी सोल्यूशन 100% काम करेगा। तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। सिंपली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर गए, आपको सर्च करना है, एक वेबसाइट है फाइल हिप्पो, उसको आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च जैसे ही करेंगे यहाँ पे इस तरह के फर्स्ट नंबर लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑडियो ड्राइवर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो ड्राइवर दिख जाएंगे। मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ऑडियो ड्राइवर होते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे सर्च करूँ ऑडियो ड्राइवर, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में कुछ लिंक्स आएंगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे जरा से भी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फर्स्ट वाले ऑडियो ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऐड आ रहा है, इसको आपको क्लोज़ कर देना है। तो क्लोज़ करने के बाद आपका ये डाउनलोडिंग यहाँ पे आपको स्टार्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से। इस पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अगर नहीं होती तो यहाँ पर आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा जिससे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट डाउनलोडिंग कर लेनी है। अगर आप इंटरनेट डाउनलोड में इसका यूज़ नहीं करते तो आपको नीचे साइड डाउनलोडिंग होने लगेगी। मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब इसको इंस्टॉल करना भी आपको दिखा दूँगी कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे आपकी आवाज़ वापस आ सकती है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया था, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। तो गाइज़, अब हम अपने पीसी के डेस्कटॉप पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अब इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखेगा, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली ओपन करेंगे तो ये आपका इंस्टॉलिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाए इंस्टॉलिंग के लिए, आपको इसको यस कर देना और नेक्स्ट करते जाना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको अपने पीसी रीस्टार्ट करना है और आपको में साउंड आने लगेगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। वो वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।